ब्राह्मण सभा पठानकोट की ओर से आपातकालीन बैठक का आयोजन प्रधान अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गत दिनों दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, हाथरस, रामपुर, भदोही में जो देश की बेटियों के साथ दरिंदगी और हत्याओं के कांड एक के बाद एक हुए हैं, वो निश्चित तौर पर ही भारत के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शासन और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ अपना व्यवहार दिखा रहा है, वो उचित नहीं है। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने देश के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग की है कि दोषियों को सजाए मौत दी जाए और यूपी का पुलिस प्रशासन 90 दिन के भीतर भीतर केस तैयार करे और दोषियों को सजा के लिए प्रस्तुत करे। सभा रजिस्टर पठानकोट की आज एक विशेष बैठक हुई है, जिस दे विच पूरे हिंदुस्तान दे विच जो भारत मां दी बेटियां दे नाल बलात्कार और हत्याओं दियां निरंतर खबर जड़ियाँ मिल रही ने, और निर्भया कांड जो 2014 के हो उस तो बाद तेलंगाना के प्रियंका रेड्डी कांड और राजस्थान और विशेष तौर पर जी पिछले दिनों घटना हुई है हाथरस के मुनीषा बेटी के नाल जी बड़ी हिब्दे मुताबिक घटना और वो घटना ने जोड़ा सारे समाज में बड़ा अंदोलित किया और पूरा हिंदुस्तान का जोड़ा सिर है पूरी दुनिया के नीवा होया कि बच्चियाँ असी कंजक पूजते हाँ, कंजक के पैर धोने तो लेकिन अपने देश के दे जिते असी एडा आडंबर रचते हाँ, लेकिन उसके बाद वजूद भी जोड़ा बच्चियों के नाल इस तरह का अपराध निरंतर जारी है। अज ब्राह्मण सभा प्रशासन अगे ये मंग करती है कि यूपी प्रशासन ने जड़ा उस बच्ची के नाल जो एक तो एडा वड्डा बलात्कार अंजाम दिता गया उसकी हत्या हो गई, तो दूसरों उस तो बाद जी लाश नू रात नू जलाना जड़ा वो हिंदू रीति रिवाजों के बिल्कुल उल्ट है और यह बड़ा ही अक्षम्य अपराध है। प्रशासन अगे मंग है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जी अगे मंग है कि ये दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और जड़ा प्रशासन है वो 90 दिन के अंदर अंदर एक केस जड़ा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के चलावे। और एक विशेष मंग अच्छ सारे सदस्यों ने की है कि शिकायत बक्स जोड़े ने कॉलेज और स्कूलों के बाहर लगने चाहिए ने ताकि किसी भी लड़की के नाल जे कोई भी व्यक्ति वधीकी करता तंग करता तो वह तुरंत नोटिस दिता जाए।